के बेटा की भेंट की हामी भर के प्रजापत के घर आ गए और कहने लगे, मनसुख ले भैया तू प्रजापत के घर बैठ जा, मैं बारात की सार संभार कर आऊं। ठीक राजी जो आज मनसुख आ गया है फौज में, लेकिन एक बात दिमाग में आई मनसुख के, कौन सी के समय तो थोड़ो है अम्बे और मंजिल ज्यादा, मंजिल लंबी है। दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं, ये ढोला वाले साले अड़ंगा बड़ंगा बहुत कर जाते हैं, मैं इधर विधर की बात कैसे कहीं को ऊंट के बच्चा लगा दें कहे तो कबूतरी के नीचे, ऐसा ना होना चाहिए, ऊंट को बच्चा कबूतरी के नीचे कभी दूध ना पी सके, पर ये पिवा दे। कैसे पिवा दे भैया ने पिवा रखे भैया वो मारू के हरण में। अच्छा हो पर सुनो क्या हुआ, ऐसा नहीं उड़नो घोड़ा तो केवल राजा नल के पास में हो, अच्छा मनसुख के ढिंग ना हो। ठीक बात, आज मनसुख ने सोची तेरे घोड़ा लेके चलेगो तो सुसर टाइम पे ना बग देगो, हाँ। ये नल भाई साहब के घोड़ा ले चली उड़नो ही जल्दी पहुंचा देगो, जल्दी ले जाएगो, समय को मामलो। क्या हुआ, पर नल के घोड़ा को देवतान को वरदान हो सिवाय नल के हुआ की पीठ पे कोई चढ़ ही ना हो और ना उचरण देव करे। अच्छा पर तो पहुंच गयो, क्या हुआ घोड़ा के पास में पहुंच गए, घोड़ा से कह रहे हो रे घोड़ा कहा बोलो, एक काम करेगो भैया, क्या कह रहे हो देख मैं समझ आ रहे हो तो ए, और अब बखत परे की बात बछेरा श्याम नगर पहुंचाए रहे मोए, अरे घोड़ा समय की बात है मुझे श्याम नगर में पहुंचाए दे। घोड़ा बोलो सुन भैया, क्या बोलो तू ना जाने की यह बात है, कौन सी है के पहले जन्म में मनसुख मोपे रघु राजा ने करी सवारी, अच्छा जन्म दूसरे में इंदर के बड़ी बड़ी मौज स्वर्ग में मारी, खोटो कर्म बन गयो अधपर में घूमा सुरदानों पर गयो पिछारी, पर कर लिया जोर तमाम देवता सरी के पच पच के हारे फेरन दियो ना पीठ पे पाम, देवता सरी के पच के हार लिए मेरी पीठ पे सिवा राजा नल के कोई चढ़ ही नहीं सकता। मनसुख बोलो तो भाई कैसे ही पहुंचा दे, अच्छा घोड़ा बोलो एक तरह पहुंचा सकूं, कौन सी तरह, मेरी पहुंच है पकड़ के लटक जा मैं आकाश में उड़ जाऊंगा तेरे मेलन पे जाय धरूंगा। ठीक मनसुख बोलो ये कतई नहीं जची, क्यों तू पहुंच है पकड़ के आकाश को उड़ जा, हाथ में से पहुंच रिपट गी तो का बनेगो, नीचे पास रे ठुक जाएंगे। तो घोड़ा बोलो ये एक तरह पहुंचा सकूं, तो मनसुख बोलो कैसे वाई बता भैया, बोले देख मैं ठेठ न थे परवीन पीठ खरे रीते लेके चलूंगा नाय धरूंगा राजा नल की जीन, राजा नल की जीन पे नहीं बैठाऊंगा वो बस एक राजा की दी हुई है पीठ खरेरी से ले चल सकता हूँ। मनसुख बोलो ले चल ससुर गुजर खरेरी इन पे चढ़े, फर्क ना पड़े गुजर के, कोई फर्क नहीं पड़े। क्यों गुजर खरेरी इन पे चढ़े ज्यादा नीमन रहे ना गुजर, बिछैया में आनंद ना आवे। क्या हुआ बताइए, घोड़ा खोल लियो मेरे दोस्तों, आज राजा नल के उड़ने घोड़ा लेकर के अपने बेटा को लेने के लिए श्याम नगर में चलता है मनसुख गुजर, तो घोड़ा पर कैसे चढ़ो है? कैसे चढ़ो बताइयो, देख सुमरण कर कर बह माता को सुमरण करके बह माता को और घोड़ा पे भयोए सवार, और क्या अरे बह माता हृदय में धर लई सुमर लिए स्त्री करता हार, पाव फेर दियो जब घोड़ा पे हो, 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 हो। पाव में उड़ लो बछेरा पे सुनियो मेरी सब नर नार। एक बात मनसुख के दिमाग में आई, कौन सी, घोड़ा पे बैठ के चल रहा है, तेरी रानी मिलेगी कश्मीर गुजरी, हाँ पतिव्रता रानी सतवंती है, एक बेटा है, अगर तेने या गुजरी कोई बात बता दी कि तेरे बेटा का शीश काट के देवी के बंगाले में चढ़ाया जाएगा तो बेटा कभी ना देगी, औरत की जात को कच्चो दिल बहुत हो। ठीक बात, कैसे बात है, झूठ साठ बोल के तू छोरा ले आएगा, लेकिन जब बाबा जी बनो जब मोच कटवाई तो वागडिंग जाएगो तो सही बोलेगो बतराएगो बैठेगो लोटा बैठी करेगो,
लोटे वे जी इतने में तुझे बंदे बालक बनवा लो रे तो अब लोटे वे जी आराम ना करेगा तो तेरे मोह देखेगी तेरे दर्शन करेगी पतिव्रता रानी पति के दर्शन जरूर करेगी मोह देखेगी तो और तरह को डिजिटल मोह है हमें रेल किस पटरी है रही है न्यू पूछेगी मोच कहा मुंडवाई या बजे तो एक काम कर ज्यादा देर ठहरनो ना ज्यादा देर रुकनो ना है मोहिए मत दिखाए दुसालो लेके मोह के ढाटो मार लियो ठीक घोड़ा पे चढ़ गया क्या हुआ ये हुआ बताइयो पढ़ाए दियो घोड़ा पंचो सुनियो ध्यान लगाए लगते एड़ उड़ो जब घोड़ा आसमान में गयो मंडराए बीतत जा रही घोड़ा फररा 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 है तेज हालतक कमहरते रहोए आज मुलक अपने पूजाए एकदम घोड़ा आसमान में एकदम धरती पे उतरया है होमत जा रही देखो देवता रहे हरसाए आज सत्य के कारण यारो मन सुकर होए निमाने जाए घोड़ा पे चढ़ के बढ़ गुजर को अब यो बात कहीं समझाए घोड़ा उड़ रहो आसमान में पंचो सुनियो ध्यान लगाए जारो मनसुख शाह निमाने अब आगे की दूं कथारे सुनाए कब ही घोड़ा आसमान में कब हूँ धरती पह उतरा है आगे बढ़ गो देवन मारो और आगे की दूं रे सुनाए घोड़ा पे चढ़ के मन सुख जाए रहो पंचो शहर आपने जाए क्या बात है लिखे मिट्टी ना मेटी नार सासरे आए गए थे अच्छा डुबकत छुपकत भर मत डोली सैया लगी ली तो भरवे दद्दू की तो मर गई होती सरपट भरी बलम ने जेत हरिराम कहे अला बुढ़े बारो चारो है बेदन को लेक जा रहे घोड़ा भरत सलाहारे जाए और के और सुमरण करके बहमाता को आसमान में दी हो उड़ाए घोड़ा पर चढ़ गो बड़ गुजर को बंचो सुनियो ध्यान लगाए जारो अपने सहानी माने और बेटा को लेने जाए उधर क्या हो रहा है क्या हुआ घोड़ा आयो सहानी माने के होए जोत सीम पे जाए सीम में प्रमाण कर प्रवेश कर गया घोड़ा अच्छा जी श्याम नगर की सीमा में पहुंच जाता है उधर क्या हुआ शीश महल पे खड़ी है गुजरी बेटा रही है जो गोद खिलाए और रूप चंद बेटा हम गोदी में जाके रही है लाहड़ लड़ाए झिलमिल झिलमिल हो या बदल में चंदा की दी लगे उन्हें हार बेटा लग रहा निज गोदी में कर रही सुत अपने पे प्यार और दामिन दमक रही बादल में जैसे पड़े बिजली आए ऐसो रूप दिवाहनो धन को देखत जाए चंद्र शर्माए ऐसी कसमीरा हनारी पे देव रहे फूल बरसाए शीश महल पे ठाड़ी होके बेटा ए रही गोद खिलाए अरे आज पुत्र लख रहे होए लखन सो घोड़ा सामय तेरे होया है आमत बाज लखो अपने पत को देख गुजरी गई शर्माए ई तो घोड़ा बड़े जेठ को पत को कैसे लियो चढ़ाए कैसे पति हमारो बेटो या पे कोई चढ़वैया ना आए मेरे जेठ सिवा कोई भैया या घोड़ा पे बैठत ना आए पड़ गो प्रेम जाल में फंस गई हो पड़ गो प्रेम जाल में फंस गई पंचो सुनियो ले ध्यान लगाए हरी राम कहे अला बुढ़े बारो रानी सोच सोच रह जाए या घोड़ा पे सिवा जेठ के आज तलक कोई चढ़ो हत ना आए कैसे चढ़ गो पति हमारो या में बात फर्क पड़ जाए के घोड़ा
पैनी तो डिग गई के या चोरी करके लाए के रुप गई है लड़ाई जेठ ते धोखा दियो ये बलम ने आए पड़ गई सोच बहम में फस गई बेटा पलंग पे दियो सवाए घूंघट काढ़ लियो है रानी ने पंचो सुनियो ध्यान लगाए छड़ी महल पे सोचे रानी अब तो पैसो एक ना खाए के घोड़ा की कर लाओ चोरी अब को मोकू दे ये बताए पर पड़ी होशियार सिखो कश्मीरा कंचन थारी लिए सजाए वह थारी में जल को गड़वा चामर हल्दी लिए जमाए नंगा तेग धरो थाली में पंचो श्रीयो ध्यान लगाए जल को गड़वा चामल हल्दी नंगी तेग लिए धरवाए एक कमल को फूल धर लियो रानी सोच सोच रह जाए और पांचो हीरा और एक चीरा फिर थारी में लियो जमाए और पान को पीरा लगा के धर लियो पान को पीरा लगा के धर लियो और घूंघट को लियो निकार सारी सजा लई रानी ने पंचो सुनियो ले ध्यान लगाए हरि राम कहे अला बुढ़े बारो लाला के सिट में रह गाए किशन लाली और ढोलक उमर का हरणी आपको रहे सुनाए।